विभाग को बंसी पहाड़पुर में खदानों के आवंटन में जोरदार सफलता मिली है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और एसीएस डॉक्टर अग्रवाल के प्रयासों का नतीजा है कि वन विभाग को ई नीलामी में उम्मीद से ज्यादा राजस्व मिलता दिख रहा है। बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में पहले 3 दिन की ई नीलामी में उत्साहजनक रिस्पॉन्स मिल रहा है। बंसी पहाड़पुर में सैंड स्टोन के खनन ब्लॉक की इन दिनों ई नीलामी चल रही है। बीते दिनों में 12 खनन प्लॉट की नीलामी में आरक्षित राशि से 20 गुना अधिक राशि पर नीलामी हुई। उन्होंने बताया कि माइंस विभाग ने बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में 10 नवंबर से 39 खनन प्लॉटों की ई नीलामी शुरू की है। बंसी पहाड़पुर के 135.94 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 खनन प्लॉटों की ई नीलामी 10 नवंबर से शुरू हुई, जो 24 नवंबर तक चलेगी। वहीं 94.70 हेक्टेयर क्षेत्र के 9 खनन प्लॉटों की नीलामी 25 नवंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि नीलामी की ये प्रक्रिया भारत सरकार के पोर्टल MSTC के जरिए की जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों से इस क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र से बाहर करने और वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति मिल गई है। बंसी पहाड़पुर के पत्थर की राम मंदिर निर्माण में भी मांग को देखते हुए इस क्षेत्र में वैध माइनिंग शुरू करवाना राज्य सरकार के लिए संवेदनशील रहा है। माइंस एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया भी बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में वैध खनन के लिए किए जा रहे प्रयासों की निरंतर मॉनिटरिंग करते रहे हैं। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि 10 से 12 नवंबर तक प्रतिदिन 4-4 खनन प्लॉट्स की ई पोर्टल के माध्यम से नीलामी की गई। इनमें 12 खनन प्लॉट्स में से 1,63,00,000 की आरक्षित राशि के 11 प्लॉट्स की नीलामी 35,33,00,000 रुपए से अधिक में हुई। उन्होंने बताया कि 3 दिन के नीलामी में खनन प्लॉट संख्या 11 आरक्षित राशि 20,91,250 के विरुद्ध 10 करोड़ रुपए में ऑक्शन हुआ। इसी तरह से प्लॉट संख्या 4, 12 और 14 भी 4-4 करोड़ रुपए से अधिक में ऑक्शन हुए हैं। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में खनन पट्टे जारी होने से जहां एक ओर अवैध खनन पर प्रभारी रोक लगेगी, वहीं अवैध खनन के कारण आए दिन होने वाली अवैधानिक गतिविधियों और स्थानीय प्रशासन के सामने आए दिन आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या का समाधान हो सकेगा। निदेशक खान एवं भू विज्ञान KB पांड्या ने बताया कि खनन प्लॉट्स की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट और भारत सरकार के ई पोर्टल पर देखी जा सकती है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।